जयपुर आज हिमाचल मानव अधिकार लोक बॉडी की बैठक प्रांत अध्यक्ष राजेश पठानिया की अध्यक्षता में नागनी गांव में संपन्न हुई, जिसमें बहुचर्चित हिमाचल की परियोजना पठानकोट ब मंडी के भू अधिग्रहण संबंधित आ रही समस्याओं बारे विस्तार से चर्चा हुई। सरकार ने जो मार्च महीने में पहला अवार्ड निकाला था, जिससे कि लोगों को पता चला कि उनकी जमीन के दाम कौड़ियों में लगाए गए हैं, उस विषय पर लोक बॉडी ने माननीय प्रधानमंत्री, माननीय केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री एवं माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को माननीय SDM के माध्यम से एक ज्ञापन दिया था और उसमें 11 प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय से हमें लगातार पत्र प्राप्त होते रहे हैं और पिछले कल हमें NHAI द्वारा पत्र प्राप्त हुआ है, जिसकी प्रतिलिपि मुख्य सचिव PWD हिमाचल प्रदेश को भी भेजी गई है, जिसमें NHAI ने हमारी शिकायतों का क्रम से उत्तर दिया है और उसमें NHAI ने स्पष्ट तौर पर लिखित में कहा कि जितने भी रेट कम किए गए हैं यह राज्य सरकार ने किया है, किसको कितना रेट देना है यह राज्य सरकार तय करती है और इस परियोजना को मई 2019 में स्थगित कर दिया गया था और अब इसे दोबारा मंजूरी मिली है। लोक बॉडी सरकार से यह जानना चाहती है कि जब 2017-18 में इस परियोजना का पहला 3A नोटिफिकेशन हुआ, उसके बाद 2 साल बाद इस परियोजना को स्थगित कर दिया गया और 2020-21 में यह परियोजना दोबारा शुरू की गई, तो हमारे साथ अन्याय करते हुए आपने हमें 2017-18 के रेट क्यों दिए? जब यह परियोजना ही 2020-21 में शुरू हुई तो आप हमें पुराने रेट क्यों दे रहे हैं? यह नूरपुर की जनता के साथ सरासर अन्याय है और अभी तक सरकार ने तीसरा अवार्ड घोषित नहीं किया है। पहले तो 3-3 अवार्ड घोषित करना ही हमारी समझ से परे है, यह हिमाचल में कहीं भी नहीं हुआ है और अब सरकार ने जानबूझकर जनता को मूर्ख समझते हुए 2017-18 के रेट दिए और ज्यादातर जमीन उसी रेट में ले ली। जब सरकार ने 2017-18 में जमीन के रेट लिए हैं तो इसका भू अधिग्रहण 2021 में क्यों हो रहा है? यह हमारी समझ से परे है, क्योंकि 2017-18 में सरकार ने जनता के साथ कोई भी लिखित में एग्रीमेंट नहीं किया था। हमारी सरकार से यह शिकायत है कि सरकार हमारे साथ न्याय करें और हमें मार्केट वैल्यू के हिसाब से सेक्टर 2 देने की कोशिश करें, क्योंकि यह सरकार ने अपने घोषणा पत्र में लिखित में दिया था। इसके साथ ही जो बिल्डिंग नापने का काम है वह लगातार सरकार करवा रही है और वो टीम उस बिल्डिंग के मालिक को यह नहीं बताती है कि आपकी कितनी जमीन गई है, इस बिल्डिंग का कितना एरिया बना है और आपकी राशि कितनी बनी है। हमारी सरकार से यह निवेदन है कि पहले जनता को उनकी बिल्डिंग स्ट्रक्चर के रेट बताए जाएं, उसके बाद बिल्डिंग नापी जाए, ताकि भू मालिकों को पता हो कि उनकी जायदाद जमीन का क्या मोल है और वह इसके लिए अपना इंतजाम समय रहते कर सके। सरकार हर बार जनता को ठगने के नए नए तरीके अपना रही है और हर बार अपनी बात से मुकर जाती है। इसलिए हमारी एक बार फिर सरकार से निवेदन है कि सरकार मार्केट वैल्यू के हिसाब से हमारी जमीनों और बिल्डिंग के रेट दे और पहले हमारे जो जमीनों के रेट हैं उनको बढ़ाया जाए, उसके बाद इसके ऊपर फैक्ट लगाया जाए। हिमाचल मानवाधिकार लोक बॉडी की बैठक आज फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर होने जा रही है। जैसा कि आप सबको विदित है कि हिमाचल मानवाधिकार लोक बॉडी पठानकोट मंडी 4 लेन परियोजना का जो समस्याएं आई हैं लोगों को लगातार, उस विषय पर अपनी आवाज़ सरकार हमें कोई बयाना नहीं दिया और जिस चीज़ का मूल्य आप 5 साल पहले तय करते हैं, जब आप उस चीज़ को लेने 2021 में आए हैं, अभी भी आपने जो है ज़मीन एक्वायर नहीं की है। जब आप 2021 में आए तो आप हमें 2017-18 के जो रेट देकर हमारे जो जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं और हमारी जो समस्याएं उनको बढ़ा रहे हैं और हमारा जो सत्यानाश आपने किया, हमें इन सारे लोगों को इतना आपने आहत किया कि हमारे पास कोई नूरपुर से आपका फैसला TV के लिए विनय महाजन की रिपोर्ट।